पश्चिमोत्तान आसन क्या होता है? ये एक सिटिंग पोस्चर होता है जिसमें हम अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल आगे फॉरवर्ड बेंट करते हैं, ठीक है, आगे बेंट करते हैं और अपनी बॉडी को, अपने फॉरहेड को ट्राई करते हैं कि वो हमारे लेग्स को टच करे, ठीक है। सिट ऑन द फ्लोर विथ आउटस्ट्रेच्ड लेग्स, लेग्स आपकी स्ट्रेच्ड हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, इनहेल करो एंड लेंथन द एब्डोमेन, देन लिफ्ट द चेस्ट, यानी कि अपनी चेस्ट को एंड को आगे बढ़ाओ, ठीक है, एक्सहेल करो और आगे बढ़ो, ठीक है, फ्रॉम द हिप्स, यानी कि आपकी पूरी अपर बॉडी फ्रॉम द मिड लाइन वो आगे बेंट होनी चाहिए, आगे लिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। कीप द शोल्डर्स ओपन एंड द हेड अप, रीच फॉरवर्ड एंड होल्ड द बिग टोज इन अ लॉक विद द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर का यूज़ करके अपनी टोज को टच करना है, ठीक है, और बिल्कुल फॉरवर्ड बेंट होना है, फॉरवर्ड अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, इनहेल करो, ठीक है, उसके बाद एक्सहेल करो, जब अपने ये प्रोसेस करते हुए, एक्टिविटी करते हुए, ये योगा आसन परफॉर्म करते हुए आपको इनहेल करना है और जब रिलीफ पोजीशन पे जाना है तो जस्ट एक्सहेल, ठीक है। ये हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, ठीक है, और 5 डीप ब्रेथ्स लेने हैं, उसके बाद रिलैक्स करना है, ठीक है, और एब्डोमेन के लिए भी बेनिफिशियल है, चेस्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, ये हमारी स्पाइन के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है, और डाइजेशन इम्प्रूव कर देता है, मेंस और जो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के पीरियड्स के, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो प्रॉब्लम होती है उससे भी कम्फर्ट देता है, एंग्जाइटी इंसोमोनिया टाइप की प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है और पेट की जो चर्बी होती है ना, एब्डोमिनल फैट्स, उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि वेट लॉस में भी मदद करता है, बट जो प्रेग्नेंट होते हैं और जिनको बैक या डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उन्हें रिड्यूस, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, और ठीक है, और जिन्हें अल्सर हो तो उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, और जिन्हें अस्थमा होता है उनको भी नहीं करना चाहिए।